नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके सबने YouTube चैनल रेल है तो देश है की एक और नई वीडियो में। आज हम एक बार फिर से लोकेशन पर आ गए यहाँ पर ग्वालियर श्योपुर कलां कोटा रेलवे लाइन के ऊपर। अब जमीनी हकीकत आप सभी लोगों के लिए आज हम लोग लेकर के आए हैं। काफी भाइयों के कमेंट थे कि भाई लाइव लोकेशन पे जाकर के दिखाइए, तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पर बामौर से। आप लोग देख सकते हैं ये जो रेलवे लाइन है, थोड़ा इस तरफ दिखाना कैमरा महोदय, और स्लीपर्स जो हैं वो यहाँ पर डाल दिए गए थे और स्लीपर्स के ऊपर जो रेल है उनको पूरी तरीके से बिछा लिया गया है। अब ये स्थिति है अभी बामौर के पहले की, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है वो दिल्ली चेन्नई लाइन जो है, तीन लाइन है जो ट्रिपल लाइन, वो यहाँ से निकलती हैं और उसी के साथ साथ में जो आगरा बॉम्बे हाईवे है उसके नीचे से ये हमारी श्योपुर वाली लाइन आ जाती है। पटरियों का आलम यहाँ तक हो चुका है पूरा, और उसके बाद में आप लोग अगर इस तरीके से देखेंगे थोड़ा सा नीचे तो जो बेस है बन करके तैयार हो गया है। अगर हम बात करें आगे की तो यहाँ पर जो बिजली के जो खंभे हैं यानी कि OHE पोल हैं उनको देखो आप लोग लगा दिए गए हैं, यानी कि ये तो पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि इस रेलवे लाइन को शुरुआती दौर में ही जो है वो विद्युतीकरण का जो सौभाग्य है वो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम आपको और थोड़ा आगे की लोकेशन पे दिखाते हैं कि भाई कैसी स्थिति आगे बनी हुई है, क्योंकि यहाँ तक जो पटरियाँ हैं वो तो पहुँच गई हैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन से, या हम यूँ कहें बिरला नगर रेलवे स्टेशन से इसका जो है शुरुआत होती है, और कुछ इस प्रकार जो है यहाँ तक पटरियाँ आ गई हैं। अब हम आपको लेके चलते हैं लोकेशन पे आगे। तो साथियों आप लोग यहाँ पर जिस प्रकार देख सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर बाइक पर हो गया हूँ सवार, और ये जो बेस है वो यहाँ पर अभी जो है बढ़ता चला जा रहा है, और आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं जो रेलवे लाइन है उसका स्तर कितना नीचे हो गया है। ये देखिए आप लोग, रेलवे लाइन का जो स्तर है वो काफ़ी नीचे हो गया है। ये रेलवे फाटक आ गया और यहाँ से जो है वो बेस, और इस तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो स्लीपर और जो OHE पोल हैं उनको यहाँ पर रख दिया है और लगा दिया गया है। कुल मिला के जो है यह रेलवे लाइन की जो लंबाई है वो काफ़ी अधिक होने वाली है, और साथ ही साथ में इसको ऊंचा रखा गया है ग्राउंड लेवल से। तो जैसा कि साथियों अभी हम लोग लोकेशन पे आ गए हैं उस तरफ से थोड़ा सा और आगे, यहाँ पर भी देख लीजिए आप लोग कि स्लीपर जो हैं वो रखे हुए हैं और जो गिट्टी है उसको बिछा दिया गया है। और अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखें आगे तक तो जो घुमाव है, जो कर्व है, वो हमको यहाँ पर देखने में प्रतीत होता है। उससे हमको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये रेलवे लाइन ग्राउंड के जो सरफेस लेवल है उससे कितनी ऊंचाई पर स्थित है, और OHE पोल और वहाँ पे जो गिट्टी है उसको बिछाने का काम शुरू है। हम आपको आगे भी दिखाएंगे लोकेशन पे। और इस प्रकार यहाँ पर यह जो रेलवे लाइन है इसका सफ़र जो है दिल्ली चेन्नई मेन लाइन से यहाँ पर जा करके ख़त्म हो जाता है, यानी कि यह रेलवे लाइन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो आगरा मथुरा और दिल्ली के लिए लाइन सीधी निकल जाती है, और यह रेलवे लाइन जो है अब यहाँ से एक घुमाव ले लेती है जिसके प्रकार से यहाँ पर ये अब सीधे बढ़ जाएगी जोरा की ओर में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लोकेशन आपको दिखाते हैं। तो साथियों आप लोग जैसा कि देख सकते हैं ये प्रकार से यह रेलवे लाइन के अभी हम लोग जस्ट बाजू में नीचे ही चल रहे हैं, और इसकी आप लोग ऊँचाई वगैरह देख सकते हैं, और गिट्टी बिछाने का काम, OHE पोल का काम, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इत्मीनान से देखने को प्राप्त हो रही हैं। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगरा बॉम्बे हाईवे की ओर, जहाँ पर इस रेलवे लाइन का सबसे अहम कड़ी आप सभी लोगों को ज़रूर से देखने को प्राप्त होने वाली है। जैसा कि आपने सुना ही होगा जो गार्डर है जो बिछाया जाना है 90 मीटर का, जो कि विदाउट पिलर होने वाला है रोड पर, तो वह अब यहाँ पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण वाला विषय बन जाता है। तो जैसा कि इस फोटेज में आप लोग अभी देख रहे हैं यह रेलवे लाइन का काम काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है। आप लोग बने रहिएगा, सारी चीज़ें आपको हम लोग लाइव ही दिखाएंगे।